अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या फिर अपना घर बनवा रहे हैं, तो ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे कि अपना ये लिंटल लेवल हो गया, यहाँ तक ब्रिकवर हो गया, उसके ऊपर में प्रॉपर एक लिंटल प्रोवाइड किया गया, और इंटरमीडिएट इसमें मतलब फ्लोर के और लिंटल बीम के बीच में एक प्रॉपर जो सील बैंड होता है, एक तरीके से 100 mm का प्रोवाइड किया गया, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन वही बात अगर मैं इस वॉल पर आऊँ, आउटर वॉल जो मेरी 230 mm थिकनेस वाली है, तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो ये देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का लिंटल और फ्लोर के बीच में किसी तरह का सील बैंड नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें होगा क्या कि देखिए यहाँ पे ओपनिंग है, ये साइड में विंडो की ओपनिंग है, ऊपर तो बीम है, उसके ऊपर का लोड चलो उस लिंटल बीम से कैरी हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो वॉल का लोड है ये प्रॉपर इस पोर्शन पे आके नीचे जाएगा। तो होगा क्या यहाँ पे कि जब आफ्टर सब प्लास्टरिंग वास्टरिंग हो जाएगा और कुछ समय बाद होगा क्या, यहाँ से अपने को डायगोनल क्रैक्स अपने को देखने को मिलेंगे। तो ठेकेदार की जो कॉस्ट सेविंग टेक्निक है ये कभी कभी अपने ऊपर भारी भी पड़ सकती है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी अपन विंडो जहाँ से स्टार्ट होती है उस सील लेवल पे अपने को एक सील बैंड 100 mm का एटलीस्ट देना ज़रूरी होता है, ताकि ये कॉस्ट सेविंग टेक्निक अपने को बाद में भारी ना पड़ जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।